मैं बच्चों नूं मंजी दे थल्ले लुका छड़िया। सरदार जी उपर छत सी, उन्हें उत्ते चढ़ा दिता। अगे पर्दा लगे हुए सी। सज्जन कुमार इस तरह में हाथ जोड़े कि वो जानते सी, आप जानते सी, जाते आते सी, कुछ काम होता सी जाते सी, जानते सी। मेरे कोने ते ही मकान सी मेरा। इस तरह हाथ जोड़ के कि मारो मारो सरदारों नूं मारो, ये तो सांप है, बच जाएंगे फिर डंग मारेंगे। बच्चा मेरा जब 2 साल का सी बेटा, हुण याददाश्त भी कम हो गई, क्यों ये जख्म है। 35 परिवार के बंदे गए हुए बेटा, अपने परिवार के 35 बंदे गए हुए न। छोटा बच्चा सी मेरा जब 2 साल का बेटा, उन जो पानी मंगया कि मामा पानी दे, मैं पानी कित्थे दे, पानी कित्थे सी। तो मेरे सरदार ने कहा कि मेरे बच्चों के सामने ना मारो, बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो। अग ला छी कमरे अंदर, अग ला छी बाहर लैके गए, सड़क तो लैके गए। फिर वो गोडे तोड़े, गोडे तोड़े, अग ला छी, टायर पाया गले में। अखा के सामने जो आ जाता है ना, गल आ जाती है ना, रूह कंबदा अंदरों। इस तरह हाथ जोड़ के मैं खड़ी सी, तो इस तरह फड़ के बाहर छड़ दिया कि मारो मारो सरदारों ने, इन्हों मारो। जो इन सजा आएगी ना बेटे, जो सू शांति मिलेगी, अजो जैल हुई है ना, इन फांसी की सजा आए, जिस तरह साडा मन रोंदा है। किन्ने साल हो गए बच्चे साढ़े तड़पते हैं। एक मेरे पोते बैठे से छोटे छोटे, दादा जी कदों आएगा, दादी तुसी तो इत्थे बैठे हो, साढ़े दादा कितों आएगा। बहुत औखी घड़ी कढ़ी, 5 बच्चे सी, कोई बच्चों के कपड़ा नहीं सी, कोई रोटी नहीं सी, कुछ नहीं सी, कित्थे कित्थे धिक्के खांदे, सड़कों पर धिक्के खांदे बेटे। कुछ पता ही नहीं लग्या कि किस तरह साढ़े बच्चे पले, भुखे पले, प्यासे पले, कुछ पता नहीं लग्या उस घड़ी का, कुछ पता नहीं लग्या। सब नौजवान बच्चे, न्याणे न्याणे, इन्ने बच्चे जिन्हों का अजय हत्था की मेहंदी भी नहीं ली सी, उन्होंने मार छड़िया, जिंदे जिंदा साड़िया, टायर पाल पा के साड़िया। ये अंदर सड़दा है बेटा, अंदर सड़दा है। की किस किस गलों में याद करिए, गलां तो बहुत है। 1984 च होतू सिंह की तस्वीर ते हार लटकिया सी, 40 साल उम्र सी, वह दर्द मंजर दिल्ली का सिख सहरे सी। वह मंजर, वो जो घटनाक्रम वापरिया, होतू सिंह दे उस वक्त 4-5 परिवार मैंबर तड़फ तड़फ दे रहे, पर होतू सिंह उस मंजर दे विच शहीद हो गया। 5 बच्चे होतू सिंह पिछे छड़ गया, गोपी कौर 5 बच्चों नूं लैके पालदी रही सारी जिंदगी, वो दर्द सहारदी रही। गोपी कौर साडे नाल मौजूद है, वो मंजर समझण की कोशिश करांगे। 1984 दिल्ली सिख दंगिया की गल कर रहा मैं। गोपी कौर सज्जन कुमार दे उपर जो नवा केस चल रहा, उस विच गवाह भी ने। गलबात करांगे कि आखिर 5 बच्चे गोपी कौर ने सांभे होतू सिंह दे जान तो बाद, समाज सारी चीज़ां नूं देखिया, उस तो बाद किवें दिल्ली तो आके इस विधवा कलोनी दे विच जिथे गोपी कौर दा घर है उत्थे बैठे। हालांकि ये घर भी पक्का गोपी कौर को हजे तक नहीं मिलिया, सरकार ने हजे तक घर भी पक्का नहीं दिता। अपना सब कुछ उजड़न तो बाद भी गोपी कौर इत्थे साडे नाल मौजूद आ। बहुत औखा मंजर देखिया तुसीं, अपने 5 बच्चे पाले होतू सिंह दे जान तो बाद, वो शहादत तो बाद। समां लंघाउणा, टपाउणा, वो मंजर, सारी चीज़ों मैं एक बार फिर तो याद करन दी कोशिश कर रहा। हो सकता व्यक्ति भावुक हो जाता, पर किते ना किते एक बार फिर तो समाज सामने वो चीज़ा जानिया चाहिए कि आखिरकार वो मंजर किवें सीगा, की कुछ होया सी, की कुछ देखिया सी तुसी उस वक्त। मंजर तो बेटा बहुत औखा वेख्या सी, जदों इंदिरा गांधी नूं गोली लगी सी, आपां अपने घर विच सी, अपने बच्चों नाल ही सी। पहले गुरुद्वारे नूं अग लाया सी, ते सारे बंदे, सारे सरदार जी और सी कलोनी वासी सारे, भाई गुरुद्वारे नूं क्यों अग लाया, कहिंदे इंदिरा गांधी नूं गोली लगी है, ते इस तरह मां साड़ी सी, गुरुद्वारे नूं अग लाया। फिर उन्हें गुरुद्वारे नूं साड़िया, फिर पुलिस सी नाल भीड़ एक बार भजा छड़ी, भाई अपने अपने घरों जाओ, हुण कोई तुहाडे नाल पंगा नहीं लेगा। फिर अपने अपने घर आ गए, हथियार कुछ नहीं सी, हथ खाली सी। फिर आ गए, फिर दोबारा आई भीड़, फिर साड़िया गुरुद्वारा, फिर सारे, फिर जो हाथ में डंडा सी कुछ सी लैके चले गए। फिर पुलिस
चंगी तरह समझना चाहता चीज़ों भी कदों की घटना हैगी है कि गुरुद्वारे की गल कर रहे हो कि कलोनी की गल कर रहे हो। मैं ना एक चंगी तरह चीज़ा क्योंकि लोगों को समझा भी असं कितों की जिक्र कर रहे लोग अपने दिमाग चो तस्वीर बना सकन भी किस तरह मंदिर सेगा कि गुरुद्वारे की जिक्र हो रहा। सुल्तानपुरी बेटा सुल्तानपुरी सी चार सी तीन विच गुरुद्वारा सी पिछे बार मैं रोड पर गुरुद्वारा सी मैं सी चार विच सी सारे कलोनी साड़ी इको मतलब लाइन बनी हुई सारी सरदारा एक लाइन बनी हुई सारे चले गए। फिर नाल सज्जन कुमार सी दोबारा जो भीड़ आई सज्जन कुमार सी नाल सारे गड्डिया आग ला छड़िया कमर आग सा ला छड़िया मेरे सरदार जी सी बच्चे सी नाल तो मेरे सरदार कह के गड्डी अग लगी बुझा दे मगर जलन दे कोई नहीं मका पाई रहे त्रिवल सी मेरा जो आटो कहने उसी हाँ जी सरदार जी चला फिर खिड़की सी उन्होंने तोड़ के अग लाई अंदर कपड़े सड़ गए सारा जो समान सी सड़ गया मैं बच्चों मंजी के थले लुका छड़िया सरदार जी उपर छत सी उन्होंने उत्ते चढ़ा दिता अगे पर्दा लगे हुए सी अगे सज्जन कुमार पिछे पूरी भीड़ पुलिस वाले नाल सिर्फ मैं निकली हाँ बाहर हाथ जोड़ के सारे बच्चों को बचाओ साड़ा की कसूर भाई साड़ा की किया अपन कि नुकसान किया साढ़े बच्चे ना किसी नाल बोलते ना कुछ करते नहीं साड़ी माँ गोली लगी है बड़ा पेड़ सी बड़ा पेड़ सी सज्जन कुमार इस तरह में हाथ जोड़े क्यों जानते सी आप जानते सी जाते आते कुछ काम होता सी जानते सी मेरे कोने तक मकान से मेरा इस तरह हाथ जोड़ के कि मारो मारो सरदारों नूं मारो ये तो सांप आए न बच जाएंगे फिर डंग मारनगे फिर डंग मारनगे। अच्छा वह वेला टक पिया फिर किसी के घर जाके बच्चे छिपे मेरे सरदार जी बच्चे मेरे पंजे बच्चे सीगे छोटे छोटे न्याणे सी मेरे छोटे छोटे एक तो मेरा दो साल का सी बच्चा छोटा बेटा मेरा लास्ट वाला दो साल का सी बेटा एक कहानी सुनोगे ना क्यों जख्म आए न क्यों अजकल साड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो इस तरह दिमाग कुछ इस तरह गल्लां मतलब वह हो जाती फिर किसी के गोरखा सी गोरखे के घर असी लुके सी मेरे पांच बच्चे मैं तो होर गुआढ़ी के बच्चों भी सी सारे गोरखे के घर लुके से असी रात किस तरह निभी मतलब औखी सौखी सवेरे फिर आ गई भीड़ छत तोड़ के उपर चढ़ गए गोरखियां के घर वखरे वखरे कमरे सी तो उन गोरखियां ने कहा कि भाई साढ़े विच सरदार कोई नहीं इतने कोई नहीं रुकया हुआ सरदार तुम क्यों तोड़ रहे हो तो मेरी बच बीबी डिलीवरी हो रही है तू ना तोड़ो क्या नहीं तू झूठ बोल रहा है झूठ बोलता पिया कि मेरे बच्चों नू डिलीवरी मेरे बच्चे बीबी दी थोड़ी देर विच इन्नी देर विच मिलिट्री भी आ गई मिलिट्री आ गई फिर एक दूसरे ने भजाया बच्चा मेरा जो दो साल का सी बेटा हूँ याददाश्त भी कम हो गई क्यों ये जख्म है 35 परिवार के बंदे गए हुए बेटा अपने परिवार के 35 बंदे गए हुए ना छोटा बच्चा सी मेरा जो दो साल का बेटा उन्हें जो पानी मंगया कि मामा पानी दे मैं पानी कितने दे पानी कितने सी तीन दिन तो वेख्या ही नहीं सी कि पानी तो की रोटी कितने उसका पेशाब करवा के घड़िया की ढकड़िया होंदिया ना उन्हें पेशाब करा के इस तरह गीला करके इस तरह तरह करके किया बेटे बच्चों फिर जो सरदार जी ने बाहर कट के लै गए तो मेरे सरदार ने कह मेरे बच्चों के सामने ना मारो बाहर लेके चलो बाहर लेके चलो अग ला छी कमरे अग ला छी बाहर लेके गए सड़क तो लेके गए फिर वो गोडे तोड़े अग ला छी टायर पाया गले असी होर दे कमर कोई कितने को बच्चे कोई कितने कोई कितने कोई पता ही नहीं सी सारे कह लगे कि फलाने अग ला दी फलाने अग ला दी जो पुलिस की गड्डिया आई फिर लेके गए जदों वेख्या कि सड़कों पर रुलते पे साढ़े ना तो बहुत इंसाफ किया बहुत गलत किया सज्जन कुमार ने मैं तो इस तरह हाथ जोड़े से बेटा मेरे तक अखा के सामने जो आ जाता है ना गल आ जाती है ना रूह कंबदा अंदरों इस तरह हाथ जोड़ के मैं खड़ी सी तो इस तरह फड़ के बाहर सड़ दिया क्या मारो मारो सरदारों ने इन्हों मारो ये तो बच जाएंगे सांप पाए ना फिर डंग मारनगे केड़े केड़े गुना अद करिए इनू कौन सजा देगा सज्जन कुमार कोई सजा नहीं आई जदों इनू सजा आएगी ना बेटा जदों सानू शांति मिलेगी अजो जहली हुई है ना
इनू फांसी की सज़ा आए जिस तरह साडा मन रोंदा है। किन्ने साल हो गए बच्चे साढ़े तड़पते हैं, एक मेरे पोते बैठे से छोटे छोटे, दादा जी कदों आएगा, दादी तुसी तो इत्थे बैठे हो, साढ़े दादा कितों आएगा। बेटा तेरा दादा तो वाहगुरु कोल गया, तू तो जाती है वाहगुरु कोल, उधर कौन ही लेके आती। बेटा अंदर सड़दा है, मन सड़दा, रोंदा है, मन रोंदा है। अच्छे बच्चे याद करते हैं, बच्चे बहुत औखी घड़ी कढ़ी, पांच बच्चे सी, कोई बच्चों के कपड़ा नहीं सी, कोई रोटी नहीं सी, कुछ नहीं सी, कित्थे कित्थे धिक्के खांदे, सड़कों पर धिक्के खांदे, बेटे कुछ पता ही नहीं लग्या कि किस तरह साढ़े बच्चे पले, भुखे पले, प्यासे पले, कुछ पता नहीं लग्या उस घड़ी का, कुछ पता नहीं लग्या सानू। हुण सानू ये कि सज्जन कुमार नू फांसी लगे तो सानू अंदर शांति, साढ़े मन नू शांति आ। ओदी बीबी रोए, ओदे बच्चे भी तड़फन, अज दी घड़ी ओदे बच्चे भी तड़फन कि किस तरह होया सी साढ़े नाल, सरदारां नाल कीता, वड्डा पेड़ गिरेगा तो धरती फटेगी, इन्ने सरदार मरे गए जब जो धरती नहीं फटी सी, एक माँ से धरती फट गई, नौजवान बच्चे, न्याणे न्याणे, इन्ने बच्चे जिन्हां दा अजे हत्थां दी मेहंदी भी नहीं लई सी, उन्होंने मार छड़िया, जिंदे जिंदे नूं साड़िया, टायर पाल पा के साड़िया। ये अंदर सड़दा है बेटा, अंदर सड़दा है कि किस किस गल्लां नूं याद करिए, गल्लां तो बहुत हैं, गल्लां तो बहुत हैं बेटा। क्यों हुण ये मन शांत नहीं, अंदरों शांत नहीं, मन शांत नहीं है, जदों गल्लां आ जांदी ना मन बहुत दुखी होता है। बस सज्जन कुमार नूं फांसी लगे, इहनूं अग लगे, ये तड़फे, ये बच्चे रोण, उहदे पिछे साढ़े नाल लबाणा है आत्मा सिंह प्रधान, साढ़े नाल सांझा है, दुख है, सुख है, कित्थे जाना है, कित्थे आना है, वह साढ़े नाल मदद करता है, वह मदद करता है साढ़े नाल। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ, ਵਸਣਾ ਔਖਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਨੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। किस तरह बच्चों की पढ़ाई है, किस तरह कुछ है कि पता नहीं, किस तरह कपड़ा नहीं सी बच्चों के तन ते, कपड़ा कि बच्चे कपड़ा कोई पा के, कोई कितों लीड़ा दे गया, कोई कुछ दे गया, वह बच्चों पा के कोई आटा दे गया, कोई दाल दे गया, इस तरह पा के बच्चों अपना वड्डा किया, बच्चों बच्चों पालना। पांच बच्चों कोई सौखा नहीं है, सौखा नहीं मेरे बेटा, जिन्हों का विआह शादी है, दुख है, सुख है, माँ जिस तरह तड़फदी है ना, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਤੜਫੇ, ਰੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸੜੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਿਆ, ਉਹ ਘੜੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਤੂੰ ਲਏਗਾ, ਤੂੰ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਗਿਰਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਗਿਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਰਾ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
बिजली का बिल किन्ना किन्ना बिजली का बिल आंदा है। बच्चे प्राइवेट नौकरियां बेटा सरकारी नौकरियां तो है नहीं, बच्चे पढ़े लिखे तो कोई नहीं, अनपढ़ रह गए ना, किसी की नौकरी मिल गई तो काम किया, कोई गड्डी मिल गई तो चले गए, उन्होंने अपना भी सुख नाल परिवार हो गया, तो बिजली का बिल दो दो लख ढाई ढाई लख बिजली का बिल है, कितों भरी है? रोटी खाण जोगा नहीं है, रोटी खाण जोगा नहीं, ना बिजली का कोई बिल माफ़ कर दी सरकार साढ़े वास्ते, इन्ने साल कह रहे कि इन्हों का मकाना का वो करांगे असी, मकान का वो करांगे, अजे तक कुछ भी सानू इंसाफ नहीं मिलिया, अजे तक सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया, ना बिजली का ना किस चीज़ का बेटा, सानू तो कुछ भी नहीं मिलिया, अस तो उ रोने खाने। एक मैंबर जान तो बाद ना तो बच्चे पढ़ सके, ना उन्होंने सही ढंग नाल तुसीं कामयाब कर सके, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके बेटा, कुछ भी नहीं कर सके। बच्चे मेरे बेटे नू भी इस सारा चिरिया हुआ सी, मेरे बेटे नू सरिया लगी हुई सी, सारा पूरी लत चिरिया हुई सी, उस टाइम सानू अपना दिमाग नहीं सी बेटा, मैं तो पागल सी, मैनू यह पता नहीं सी मेरे बच्चे कित्थे ने, मेरा वड्डा मुंडा पूरी लत उहदी चिरी हुई है, आपां उह भी केस नहीं पाया सी, वह भी किस नहीं पाया सी, गड्डी सड़ गई वह भी किस नहीं पाया, वो कुछ नहीं मिलिया, कुछ नहीं मिलिया बेटा, की दिता सानू सरकार ने, की दिता कुछ नहीं, उजाड़ के सानू मिट्टी विच रोल दिता। आखिरी जितों इंसाफ की उम्मीद होंगी है कोर्ट होंगे, पर जिस हिसाब हूँ 37 साल हो गए तो कित वह भी कोर्ट का रस्ता भी धुंधला धुंधला नज़र आता हो जा रहा, उ धुंधला है ओही, सानू इंसाफ अजे अन्न सानू मनो शांति नहीं है कि एदा सज्जन कुमार दा इंसाफ सानू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एदा की होएगा की नहीं होएगा, साढ़े सामने होए ना, असी भी वेखिए साडा मन भी अंदर शांत होए कि उन्हों साढ़े जिस तरह साढ़े बंदे गए सी, इन भी फांसी लगी तां बेटा मन शांति होगा, मैं हार्ट की मरीज होर हो गई हाँ, मेरी लत्तां कोई नहीं चलदी, मेरे हार्ट की मरीज कहानियां बहुत ने इस तरह दी, इस विधवा कलोनी दे विच बड़ा अजीब लगता जो लोग सुनते कि विधवा कलोनी, कई तो इस चीज़ा का अजकल जिक्र करते कि भुले क्यों नहीं, तो किवें भुलण, क्योंकि जो दुनिया के बच्चे कामयाब हुंदियां मावां देखदियां कि दुनिया के बच्चे पढ़ रहे नौकरियां कर रहे कामयाब है, साढ़े बच्चे कामयाब नहीं है, उसका कारण की है, पढ़न ना जो बच्चे पढ़ नहीं सके उसका कारण की है, सरकारी नौकरी बच्चों को नहीं मिल सकी उसका कारण की है, तो 84 कारण बनता है, साढ़े को जा अपना घर नहीं है उसका कारण की है, उसका कारण 84 जाके बनता है, तो जो जगदीश टाइटलर का जो सज्जन कुमार का जिक्र आता है, जो कांग्रेस पार्टी का जिक्र आता है, तो किमें देश दे विच सियासत गरमाती है, किमें उन्हां दंगियां उपर सियासत हुंदी है, तो परिवार किमें भुल जाण कि असी दौर देखिया, जो दोषी तो आरोपी बाहर घूम रहे हों तो परिवार किमें भुल जाण वो 84 का मंजर। कैमरा परसन विपन मेहरा के नाल आशु नेजा, लिविंग इंडिया न्यूज़ दिल्ली।